हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस सर, बीच मई के अंदर से आज के दिन काफ़ी सारे जो इवेंट्स चल रहे थे वो जा चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोग देखोगे कि इवेंट्स पर जब आप जाते होगे तो सिर्फ आप लोग को एक इवेंट देखने को मिलता है हॉलीडे सेल करके, जिसमें कि आपको यूसी स्पेंड करने पे चीज़ें मिलती हैं। लेकिन गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पर जो प्ले प्योर चल रहा था वो भी यहाँ पर रिमूव हो चुका है, हॉलीडे ग्रीटिंग्स चल रहा था वो भी चला गया है यहाँ से, एंड लॉगिन एंड विन वो भी जर चला गया है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो इवेंट चल रहे थे वो यहाँ से जा चुके हैं। अब गाइस सर, जो अब बात आती है कि इसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट इवेंट है वो कौन कौन से देखने को मिलने वाले हैं, एंड गाइस नेक्स्ट यूसी स्पेंड या यूसी बोनस चैलेंज इवेंट या कोई भी ऐसा जो यूसी धमाका इवेंट आता है बीच मई के अंदर वो कब तक देखने को मिलने वाला है, एंड खासकर यूसी स्टेशन इवेंट जो कि हम सभी का फेवरेट इवेंट है वो कब तक आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सर यहाँ पे जो सबसे पहले बात करते हैं एकदम मेजर इवेंट को लेके, जैसे कि प्ले प्योर इवेंट चल रहा था ऐसे एक इवेंट को लेके, तो गाइस आप सभी लोग को पता होगा कि इससे पहले हैप्पी क्रिसमस इवेंट चल रहा था, आप लोग ने देखा होगा इसमें कि अभी आप लोग देख सकते हो कि सेंटा गिफ्ट वाला इवेंट चल रहा है। तो आपको बता दूं कि देखो इसके बाद जो इवेंट आने वाला है वो आप लोगों को बता दो कि हैप्पी न्यू ईयर का इवेंट आने वाला है। अब आप लोग सोचोगे कि हैप्पी न्यू ईयर का इवेंट किस तरीके से रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सिंपल तरीके से रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग ये जो सेंटा वाला इवेंट चल रहा है जिसमें कि आप लोग देख सकते हो एक नॉर्मल सा आउटफिट है, नॉर्मल सा हेडगेयर है, नॉर्मल सा बैकपैक है, बाकी आपको पता है कि वही सूटर मिल रहा है, बाकी आपको क्लासिक क्रेडिट कूपन एंड प्रीमियम या सप्लाई क्रेडिट कूपन मिल रहा है। तो नॉर्मल आपको यही चीज़ें मिलने वाली है। आपको जो नेक्स्ट इवेंट आएगा वो हैप्पी न्यू ईयर का होगा, और आउटफिट किस तरीके से हो सकता है, देखो आउटफिट कुछ इस तरीके से होगा या हैप्पी न्यू ईयर ऐसा लगे, तो हो सकता है कि कुछ इस तरीके से होगा कि उसमें हम लोग को कुछ पॉपुलरिटीज मिले जो कि हैप्पी न्यू ईयर वाली हो। जैसा कि हम सभी को इवेंट के अंदर में हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाए हैप्पी न्यू ईयर, जैसे कि पटाखे उठाखे हुए, तो कुछ इस तरीके से जो कि सिमिलर सी चीज़ें होने वाली है बीच मई के अंदर। अभी तो 3-4 दिन है तो इसमें अभी हिंट नहीं आया, नहीं तो ऑफिशियल से हिंट आ जाता तो मैं आपको दिखा पाता। एंड गाइस एक बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ है बीच मई के अंदर जो शायद आप लोग नोटिस नहीं करेंगे। देखो आप लोग के पास करेक्टर वाउचर्स, जो करेक्टर वाउचर्स जो होते हैं वो आपके पास होंगे, नहीं है तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बतानी है कि जो अभी मेरे पास देख सकते हो कि 800 करेक्टर वाउचर्स हैं, लेकिन गाइस हम लोग इसको यूज़ करने जाएंगे तो इसको बहुत सिंपली से यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं जो करेक्टर चाहूँ, जैसे कि ये सब करेक्टर हुए, तो इस पर जब क्लिक करूँगा तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ 0 UC में। यहाँ पे करेक्टर वाउचर्स नहीं आता, UC लिख के आती है। फिलहाल आप समझ लो कि एक करेक्टर वाउचर्स 1 UC के बराबर होता है, तो वही समझ लो, ठीक है। लेकिन गाइस सर यहाँ पे चेंजेस क्या हुई है कि अभी आप लोग करेक्टर वाउचर्स मेरे पास बहुत सारे देख रहे होंगे, एंड गाइस अभी कोई अता पता भी नहीं कोई करेक्टर वाउचर्स का इवेंट आसपास में है कि नहीं है, कोई अभी अता पता नहीं है क्योंकि फिलहाल अभी पबजी में कुछ भी नहीं है और न्यू अपडेट में कुछ हो सकता है कि देखें, अभी फिलहाल आपको बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखो जो चेंजेस हुई है कि आप लोग जब शॉप में जाते थे पहले ट्रेजर वाले बीच मई के अंदर, तो इसमें हम लोग को करेक्टर वाउचर्स देखने को मिलते थे जो कि हम 1 UC में एक परचेस कर पाते थे। लेकिन गाइस अभी क्या हुआ है कि जब से ये मटेरियल एंड जो चीज़ है इसका मिथिक एम्बलम इसके ऐड होने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कहीं पे भी करेक्टर वाउचर्स जो है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ से तो करेक्टर वाउचर्स हटा लिया गया, अदर पे जाओगे तो अदर पे भी नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्लेन है, नॉर्मली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से जो करेक्टर वाउचर्स मिलते थे 1 UC में एक, वो यहाँ से हटा लिया गया है। अब आई थिंक हो सकता है कि अपडेट में इसको वापस लाएँ, या तो फिर हो सकता है क्योंकि पबजी में आज भी ये चीज़ मिल रही है, मैं होप करूंगा कि जल्दी से ये चीज़ वापस आए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि अभी हॉलीडे ग्रीटिंग्स इवेंट जो भी बीच मई के अंदर चल रहा था वो यहाँ से जा चुका है, इवेंट पे जाओगे जब आप देखोगे तो यहाँ से वो इवेंट जा चुका है। अब गाइस लोग पूछ रहे हैं कि इसके बाद कौन सा इवेंट आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि देखो हॉलीडे ग्रीटिंग इवेंट्स में देखो उसका नाम पहले क्या होता था, यूसी धमाका इवेंट होता था, जिसमें कि यूसी परचेस करने पर यूसी वापस मिलती थी, तो ऐसे ही इसका नाम चेंज करके हॉलीडे ग्रीटिंग्स करके आया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो इवेंट आता है जैसे कि यूसी परचेस करने पे एक्स्ट्रा यूसी मिलती है। अब बहुत लोग कहते हैं कि जो वो यूसी जो मिलती है वो टाइम लिमिटेड होती है, वैसे मेरे को ये चीज़ नहीं लगती कि वो टाइम लिमिटेड होती है। फिलहाल तो अभी पता लग जाएगा, मैंने परचेस करी, जैसा होगा मैं आपको आगे इन्फॉर्म करता रहूँगा। फिलहाल तो बात करते हैं कि वो इवेंट कब तक बीच मई के अंदर वापस आएगा। तो गाइस आपको बता दूं देखो बीच मई के अंदर चलता है, अभी आप लोग देख सकते हो कि मिथिक फोर्ज करके, मिथिक इसको फोर्ज बोल लो या आप लोग बोल सकते हो कि डील इवेंट,
जिसमें कि आप लोग देखोगे काफ़ी सारे इसमें इवेंट चलते हैं, जैसा कि मटेरियल पैक हुआ, परचेस हुआ, सब्सक्रिप्शन हुआ, कस्टम यूसी पैक हुआ। अभी क्या इस कुछ दिन में 5 दिन में लगभग ऐड कर दिया जाएगा डेली स्पेशल बंडल करके, जो कि डेली आता है 10 रुपये का होता है फिलहाल, तो वैसा कुछ ऐड हो जाएगा। लेकिन गाइस सर आपको बता दूं कि ये 1 वीक के अंदर में, जैसा कि हम सभी लोग को जहां तक सुनने को मिला है, 1 वीक या 1 वीक से ज़्यादा के अंदर में जो यूसी इस पे परचेस इवेंट ऐसा ऐड हो जाएगा। अब उसका जो नाम है, देखो नाम के ऊपर तो जाना नहीं है, क्योंकि नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, जो काम ही वही है कि यूसी परचेस करने पर एक्स्ट्रा यूसी मिलेगी, तो फिलहाल तो वैसे ही नाम से क्या दिक्कत है, ठीक है। रही बात की यूसी जो स्टेशन इवेंट जो कि बीच में अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो क्यों नहीं देखने को मिलता, तो मैं आपको बता दूं, देखो जब डील इवेंट नहीं आता था उससे पहले हम लोग को जो यूसी स्टेशन इवेंट है वो देखने को मिलता था। अभी गए जब से डील इवेंट आ चुका है उसके बाद से कोई भी यूसी स्टेशन इवेंट देखने को नहीं मिला है, ना बीच में देखने को मिला है, ना पबजी में देखने को मिला है। तो अभी जो यूसी स्टेशन इवेंट है ये लकली चांसेस के बहुत ज़्यादा कम है आने के फिलहाल, तो भी देखते हैं कि अगर आता है तो पता लगेगा। लेकिन गए इसके जो आने का यूसी स्टेशन का इवेंट जो है ना, ये 90% चांस है कि नहीं आएगा, आप लोग वेट करना छोड़ दो। गाइस यही था आज की इस वीडियो में, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। एंड गाइस फिर भी कुछ पूछना या कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। चलो गाइस बाय, अपना ख्याल रखना यार, लव यू ऑल।